जनता से ज्यादा पुलिस फोर्स रहेगा, कर्फ्यू का माहौल रहेगा और मुख्यमंत्री के पास भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट मंत्री के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है उनकी यात्रा की। उनके पास तो साधन है, संसाधन है, लेकिन कई समीक्षा बैठकों को हम लोग देखा है भिक्षा बैठक में बदलते हैं। आरसीपी टैक्स के बारे में बात हो या कुछ हो, लेकिन इससे पहले कितनी यात्राएं उन्होंने किया, क्या फर्क पड़ा है ये बता दें। कोई अगर बिहार की जनता में इससे पहले कई यात्रा की है उन्होंने, क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर नजर आया, हम लोगों को तो नहीं दिखता, ना बिहार की जनता को। और समाज को तो ये लगता है कि सरकार में खामियां हैं, सरकार सुधरे, अधिकारी सुधरे, मंत्री सुधरे, तब जाकर के काम होगा। थोड़ा सा तो मुख्यमंत्री जी जो बात करते समाज सुधारने की, तो उन्हीं के घटक दल के है ना मान जी, वो क्या कहते हैं शराबबंदी को लेकर, पहले वो उनको समझा दे या मांझी जी नीतीश जी को समझा दे या नीतीश जी मांझी जी को समझा दे, तब तो बात बनेगी ना। आप किसकी बात कर रहे हैं, आप अपने सहयोगी को तो समझाओ पहले, बाद में आप समाज सुधारिएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी जो हैं चोर दरवाजे से आए हुए थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की जनता पसंद भी नहीं कर रही है। कोई काम करने का नया तरीका नहीं दिख रहा, कोई नया विजन, कोई नया रोड मैप बिहार को आगे ले जाने का नहीं दिख रहा। अब आश्चर्य लगता है ना कि 16 साल से जो मुख्यमंत्री है वही कहता है कि बिहार जो है पिछड़ा है, इसको स्पेशल मदद की जरूरत है। आप एक तो पिछड़ा है तो 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप जिम्मेवार हो, और आप मदद किससे मांग रहे हैं, आप तो सरकार में है, भारत सरकार में आपके मंत्री हैं, आप पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, तो मदद क्या मांग रहे हैं आप भाई। हम लोग के 22 MP होते थे तो बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, चार चार कारखाने दिए, इन्होंने क्या दिया डबल इंजन, 39 MP है तो सरकार को नचा दे 39 MP। आज बिहार के ही MP उसी सत्ताधर के और मंत्री आपस में भिड़े हुए, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से केवल दिखावा है। जनता जो है सरकार से ये उम्मीद लगाई हुई कि जनता का है, CAG में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, समाज सुधारने की बात तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी, लेकिन मुख्यमंत्री की ज़्यादा जिम्मेवारी जो है सरकार को और सिस्टम को सुधारने की है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार नहीं, कारखाना नहीं, कुछ नहीं, हर सूचकांक में नीति आयोग के बिहार सबसे 63 राज्यों में गिना जाता है, इसको कौन सुधारेगा। हमने तो कई बार जो सवाल उठाया, और नीतीश जी से हम कहना चाहेंगे समाज तो सुधरा हुआ है, लेकिन आपको समाज में कौन सी ऐसी चीज़ जो है बुरा लग रहा है भाई, जो आप सुधारना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार की जनता में तो ये भावना है, और लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है डबल इंजन की है लेकिन कोई काम की नहीं है, उसको कौन सुधारेगा। जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की थी, एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी शराबबंदी को लेकर, और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6-6 बोतल मिल गया, DGP साहब निहूर निहूर करके बोतल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, उसका क्या हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। और किस बात की, समाज को सुधारने की बात करते हैं, आपके बगल में जो मंत्री हैं वो हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार, लूटपाट करवा रहे, कई मंत्रियों पर कितने आरोप लगे, सबूत के साथ पेश किए गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये कौन से समाज की सुधार की बात करना चाहिए। पहले नीतीश कुमार जी अपने सरकार को तो सुधारे, अपने मंत्री अपने अधिकारी को तो सुधारे, ब्लॉक थाना जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता, इसको कौन सुधारेगा। समाज में अगर ये सारी चीज़ें अगर सुधार दी जाएं, तो जनता तो खुद ही जो है, समाज जो है सब कुछ सुधरा हुआ,
लेकिन व्यवस्था अगर सुधर जाए तो किसी को कोई चीज की आपत्ति नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। यह केवल अकेवल नौटंकी या दिखावा है। और जनता के बीच जाएंगे तो दूरी आप देख लीजिएगा, कर्फ्यू लगा के जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं छट सकता। मुख्यमंत्री के साथ अगर बात करनी है जनता दरबार में तो अपॉइंटमेंट लेके आइए, उसमें भी उसकी स्कूटनी होगी, छटनी होगी, तब जाकर के आप मिल सकते हैं। वहां जाएंगे तो इतना बड़ा डी एरिया होगा, जनता से ज्यादा पुलिस फोर्स रहेगा, कर्फ्यू का माहौल रहेगा और मुख्यमंत्री के पास